सज्जनपुर के गांव में अमर शुक्ला कहकर एक व्यापारी रहता था। उनको तो बहुत सारे धंधे थे, उनमें प्लास्टिक बॉटल्स का व्यापार एक था। अमर एक बड़ा दिलदार आदमी था, दूसरों को बहुत सहायता करता था। उसी गांव में मनोहर पांडे कहकर और एक व्यापारी था, लेकिन वो बहुत कमीना था। वे दोनों बगल वाले गांव में प्लास्टिक बॉटल्स की सप्लाई करते थे। अमर की अच्छाई से स्कूल की बच्चों को मुफ्त में वाटर बॉटल्स बांटना चाहता था, लेकिन पांडे उसको रोकना चाहता था। एक दिन अमर और पांडे आमने सामने आए थे। अमर, तुम बच्चों को बॉटल्स मुफ्त में दे रहे हो, ऐसे किया तो हमारा धंधा को नुकसान हो जाएगा। तुम इसे रुकना होगा, वरना तुमको मेरे बारे में पता नहीं कि मैं क्या करूंगा। अबे ओए, तुम जैसे एड़ों को बहुत देख चुका हूँ। मेरी मर्जी है, मैं बच्चों को मुफ्त में बांटता हूँ। तुम क्या उकार सकते हो उकार लो। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ और भगवान भी मेरा साथ रहेगा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। तब से लेकर पांडे अमर के धंधे को गिराने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। उस षड्यंत्र के भाग में पांडे भी स्कूल के बच्चों को वाटर बॉटल्स मुफ्त में बांटना चाहता था, लेकिन वो पानी शुद्ध पानी नहीं था, अशुद्ध पानी को भर के बांटना चाहता था। वो पानी पीने से बच्चों की सेहत खराब हो जाती है। ये बात अमर के पास पहुंच गया। तब अमर उनके दोस्त समर से मिला और, समर, वो पांडे मेरे धंधे को गिराने के लिए अशुद्ध पानी को स्कूल के बच्चों को बांटने के लिए तैयार किया है कहकर मुझे पता चला। हमको जैसे भी उस षड्यंत्र को रोकना होगा, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। अमर, तुम चिंता मत करो, तुमको मैं हूँ। उनका वाटर बॉटल्स का ट्रैक्टर स्कूल तक पहुँचने से पहले हम जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात बताएंगे। अमर और समर स्कूल के पास गए और प्रिंसिपल से मिलकर, सर, आज हमारे गांव से आने वाले वाटर बॉटल्स का ट्रैक्टर में से किसी को भी पानी नहीं पीने के लिए बोलिए सर, क्योंकि वो ट्रैक्टर मेरा नहीं है और उसमें पानी बहुत अशुद्ध है। आपने जो बोला वो ठीक है, बच्चों के भलाई के लिए आप पहले आकर हमको कहा, लेकिन बच्चों को कौन सा ट्रैक्टर का पानी अच्छा है और कौन सा अशुद्ध है ये कैसे पता चलेगा, आप ही सोचिए। तब अमर, आपने जो बोला वो सही है सर, बच्चों को कैसे पता चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो बोलो समर। वो अभी नहीं बोलता हूँ, चलो मैंने जो सोचा वो करके दिखाता हूँ, कहकर अमर को लेकर निकला। तब अमर और समर बच्चों को ट्रैक्टर को पहचानना है कहकर एक ट्रैक्टर को तैयार करने के लिए फैसला किया। हम हमारे ट्रैक्टर को एक प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर जैसा बनाएंगे और प्रिंसिपल से कहेंगे कि बच्चे केवल इस प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर से पानी पीने के लिए। तुम्हारे विचार बहुत अच्छा है मेरा दोस्त, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अभी के अभी काम शुरू करेंगे। तब वो दोनों मिलकर उनका ट्रैक्टर को एक प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर जैसा बदल दिया। उस दिन सड़क पर स्कूल में जाने वाले पांडे की ट्रैक्टर से आगे निकलते हुए चला गया था वो प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर। अमर और समर पांडे का ट्रैक्टर पहुंचने से पहले ही उनका ट्रैक्टर को स्कूल पहुंचा दिए थे। सारे बच्चे आकर प्लास्टिक बॉटल ट्रैक्टर के पास ही बॉटल लेने लगे थे और पांडे का प्लान पूरा मिट्टी में मिल गया था, पांडे हार गया था। सही वक्त में आकर आप बच्चों की सेहत को बचाया है, आपको भगवान अच्छे से देखभाल करे, कहकर आशीर्वाद दिया। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छा ही होता है सर। तब पांडे का ट्रैक्टर भी स्कूल पहुंचा। आप देखो क्या करता हूं, कहकर समर पुलिस को फोन किया। और पुलिस तुरंत उधर पहुंच गया। तब प्रिंसिपल पुलिस को सब कुछ बताया। बच्चों के सेहत से खेलने के लिए देखा पांडे को पुलिस ने अरेस्ट किया। प्रिंसिपल अमर और समर को बहुत धन्यवाद किया। रतनपुर के गांव में मनिंदर कहकर एक गैस व्यापारी हुआ करता था। उस गांव में एक ही गैस एजेंसी रहने के वजह से सरकार की भाव से भी ज्यादा भाव में सिलेंडर को बेचने लगा है मनिंदर, और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है और उनके पास ही सिलेंडर खरीदते थे। मनिंदर 800 का सिलेंडर को 2000 में बेचने लगा और लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाकर उनके पास ही खरीद रहे थे। तब सारे लोग इकट्ठे होकर मनिंदर को मिले और उन सब लोगों की ओर से सौरव कहकर एक आदमी मनिंदर को गैस सिलेंडर की दाम को कम करने के लिए पूछने के लिए आया। मनिंदर जी, आपने गैस का दाम बहुत बढ़ा दिया है, लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, सरकारी के दाम से भी बहुत बढ़ा कर आप बेच रहे हैं, ये तो बहुत अन्याय है ना, थोड़ा तो कम कीजिए। मेरे व्यापार है और मेरी मर्जी है, अगर नहीं खरीद सकते हो तो चले जाओ इधर से,
कहकर चिल्लाया। तब उन्होंने जो किया अपमान को सह नहीं पाए और सौरव और उनके दोस्त वापस घर चले गए। सौरव के बेटा प्रणव सौरव के पास आकर, क्या हुआ पिताजी, इतना परेशान लग रहे हो? वो मनिंदर तो रोज इस्तेमाल होने वाली गैस की दाम बहुत ज्यादा बढ़ा कर बेच रहा है बेटा, सबको बहुत मुश्किल हो रहा है, मजदूर तो खरीद नहीं सकते हैं और हमें क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने जो दाम लगाया वही दाम में हम सबको सिलेंडर की सप्लाई करेंगे और वो भी ट्रांसपोर्ट चार्जेस के बिना करेंगे पिताजी। बिना ट्रांसपोर्ट चार्जेस कैसे होगा रे? ऑटो ट्रॉली को पेट्रोल भरना है, ड्राइवर को वेतन देना है, तुम तो मुफ्त में कैसे सप्लाई करोगे? वो सब खर्चे कम करेंगे तो लोगों को बहुत कम दाम में ही गैस सप्लाई कर सकते हैं पिताजी, और उस मनिंदर को भी अच्छा सबक सिखा सकते हैं। लेकिन ये गैस एजेंसी का लाइसेंस ये सब कैसे होगा बेटा? कल ही मैं और मेरे दोस्त जाकर लाइसेंस लेंगे और बाद में कम दाम में ही गैस की सप्लाई करेंगे। अगर लाइसेंस मिला तो भी सरकार के दाम में ही बिना ट्रांसपोर्ट के खर्चे कैसे सप्लाई करोगे, समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आप बस देखते ही जाओ, मैं बहुत कम दाम में ही सिलेंडर की सप्लाई करूंगा। अगले दिन प्रणव उनका दोस्त सुजीत के साथ गैस लाइसेंस देने वाले ऑफिसर को मिलकर गैस की लाइसेंस लिए। ऑल द बेस्ट प्रणव, आपका ये डोंकी वाला स्कीम बहुत बढ़िया है, आपको जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका सपोर्ट से हम जरूर सफलता पाएंगे, कहकर उधर से चले गए। अगले दिन गांव में एक मीटिंग लगाकर प्रणव लोगों से, आपके घर को हम खुद गैस सिलेंडर की सप्लाई करेंगे और आपको एक रुपए ज्यादा भी देने की जरूरी नहीं है, आपके घर को ही गैस सप्लाई करने वाले खुद आ जाएगा और आपको बस उसे खाना खिलाना चाहिए बस। तब सब लोग चौंक कर आपस में बात करने लगे, ये प्रणव तो सप्लाई करने वाले को खाना खिलाने को कह रहा है। जिसको भी गैस सिलेंडर चाहिए अभी आकर बुकिंग कीजिए, कल ही गैस की डिलीवरी हो जाएगा। तब सब लोग गैस बुकिंग करना शुरू किए। अगले दिन कुछ गधे उनके ऊपर दोनों तरफ सिलेंडर को उठाते हुए आ रहे थे। एक आदमी भी उनका पीछा आ रहा था। उन गधों को देखकर लोग प्रणव की बुद्धि के लिए बहुत प्रशंसा किए। वाह रे वाह प्रणव, तुम्हारे दिमाग तो बढ़िया है, गधों के ऊपर गैस सिलेंडर अपने घर पहुंचा रहे हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो नहीं खर्चा होगा और गधों को थोड़ा सा घास खिलाए तो बस है, कुछ भी कहो ये प्रणव तो बहुत चालाक है। तब से लेकर सब लोग प्रणव के पास ही गैस बुकिंग करने लगे और प्रणव उनको गधों के ऊपर सप्लाई करने लगा। एक दिन मनिंदर के घर को भी गैस सिलेंडर को गधे के ऊपर सप्लाई किया। तब मनिंदर गधे को देखकर मुंह कहां छुपाना है मालूम नहीं हुआ और मनिंदर का गैस एजेंसी को भी प्रणव को दे दिया और प्रणव से, ज्यादा लालची बनकर मैं सबको गैस ज्यादा दाम में बेचता था प्रणव, अब ये मेरा गैस एजेंसी को भी तुम ही संभाल लो, कहकर प्रणव को गैस एजेंसी दे दिया। तब सब लोग प्रणव की प्रशंसा किए। तब से लेकर सबको उन गधों के ऊपर गैस डिलीवरी करने लगा।